cordially invite the most knowledgeable professor and a very popular atheist, Dr. Lenin Satyam. And may I now request him to please say a few words. Thank you. Faculty members and my dear students, गृह प्रवेश के लिए सबसे पहले लोग देखते हैं मुहूर्त। कोई अच्छा काम करने निकलो तब भी देखते हैं मुहूर्त, शादी का मुहूर्त, मरने का मुहूर्त, यहां तक कि रॉकेट को चांद पर भेजने के लिए भी मुहूर्त। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, बच्चे की डिलीवरी के वक्त मुहूर्त देखकर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स भी मैंने देखे हैं। ये विज्ञान है या अज्ञान? Is this all science? गाड़ी को कहीं नुकसान ना हो इसलिए लोग उस पर नींबू लगाते हैं। बच्चे को बुखार हो तो उसे तावीज बांधते हैं। यहाँ पर जन्म से ही भविष्य जानना, अंगूठियां पहनना, टीका लगाना, यही सब चलता है। साइंस पीछे छूट गया, सच कौन ढूंढेगा? मैं एक नास्तिक हूँ और साइंस पर यकीन है, इसलिए आप सबसे कहता हूँ, अगर श्रद्धा सच्चाई पर हावी हो तो उसे श्रद्धा नहीं अंधश्रद्धा कहा जाएगा। ठीक है मैडम। एक्सक्यूज मी मैडम,
इनकी अभी अभी शादी हुई है, लेकिन इन्हें कश्मीर में पोस्टिंग मिली है। अगर आप दोनों आपस में बातचीत कर लो तो मैं कश्मीर जाने के लिए रेडी हूँ एकदम। स्वेटर भी है। थैंक यू सर। आप जा सकते हैं। ठीक है मैडम। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? मैडम मैंने खुशी खुशी सरकार के पैसों पर कश्मीर जाके हनीमून एंजॉय करना चाहिए, ये मुंबई में रखा ही गया। तुम्हें लगता है इतनी दूर जाकर एंजॉय करोगे इस सैलरी में? एंजॉय करने के लिए पैसे नहीं, माहौल चाहिए। यार रहमान के नॉस्टैल्जिक गाने सुन लो, बर्फीली वादियों में पहाड़ों वाली मैगी खाना, पेड़ से फ्रेश लाल लाल एप्पल्स तोड़ना। मैं आपको कॉल करके मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, तब आप मुझे बताना आप खुश हैं या मुंबई की गर्मी में आपको जलन हो रही है। फीलिंग्स की परवाह तो छोड़ ही दो, लेकिन तुम्हारा फैसला पक्का है ना? एकदम पक्का है मैडम, मैं अप्रूव कर रही हूँ। अरे नहीं, और पूछ साउथ बॉम्बे का कोई भी ऑफिसर कश्मीर में पोस्टिंग लेगा ही नहीं। दोपहर तक एक्सचेंज बंद कर दूंगा और जल्दी से तुम्हारे पास पटना में आ जाऊंगा। अच्छा सुनी, ट्रेन आ रही है, फोन होल्ड करो। क्या खाएंगे? रसगुल्ला खाएंगे। हम क्या खाएंगे? एप्पल खाएंगे। स्वीटी वो आ गया, तुम रसगुल्ले खाओ, मैं आज भी एप्पल ही खाऊंगा। तो बस सॉरी यार, मुझे दिखाई नहीं दिए सर। मुझे अच्छा व्यू चाहिए था, इसलिए ड्राइवर के साथ इंजन में बैठकर। इस ट्रेन का इंजन बदली नहीं हुआ। आइए ना। कर सकते हैं क्या? यार रोडिंग में ही लोग ऑफ हो जाते हैं। अच्छा, एक्सचेंज यहाँ से कितनी दूर? मौसम ठीक रहा तो शाम तक पहुँच जाएंगे। अरे जल्दी किसको है, आराम से चलो। यहाँ स्पीड पहाड़ तय करता है सर। कुछ
चेंज नहीं कर सकते क्या? चाहो तो आप गाड़ी में जाके सो जाओ सर। सॉरी सर, प्लीज सामान लेकर आओ। सलाम भैया। What's up? बाथरूम में बहुत ही गंदा यार। कश्मीर के गवर्नमेंट ऑफिस से क्या उम्मीद करते हो सर, यहाँ ऐसा ही मिलेगा। करना है तो बाहर जाके कर लो। मतलब खुले में? अरे सब कुछ सुन लो जाएगा। चलो क्या है? I'm sorry भी तो ऐसे कहीं भी खुले में I can't do it man। आसपास कुछ देख लेते हैं ना, होटल रेस्टोरेंट कुछ भी, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। कंफर्ट चाहिए। मेरी स्वीटी का ये फेवरेट सॉन्ग है। ये क्या हो गया? आपको टेंशन लेने में बहुत मजा आता है क्या? सबके जुगाड़ होते हैं यहाँ पे। सोनू की भूख लगी है प्रभाष। हाँ मुझे भी सर, चलो कुछ खा लेते हैं। तो सारी दुकानें बंद क्यों है? अरे कल वो अटैक हुआ था ना, तो एक वीक का कर्फ्यू रहेगा। और उसके बाद कहीं और अटैक हो जाएगा तो अब खाना कहाँ मिलेगा? पड़ोसियों से मांगना पड़ेगा। किस्मत में होगा तो खाना खाएंगे, वरना क्या होगा? मार खाएंगे। वो बस हम लोग चल रहे थे, यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है। तो जी सर, इनकी भाषा में क्या बोलेंगे? मुझे दिखे कतरी दी कैया। मुझे दिखे कतरी दी कैया। मदद मांग रहे हो सर, ऑर्डर नहीं देनी आपको। मुझे देखे कतरी दे खैया। ओके ओके, ऑल द बेस्ट सर। मुझे देखे कतरी दे खैया। मुझे के कतरी दे खैया। मुझे केन कचरे दे कहिया। मुझी केन कचरे दे कहिया। मुझे एप्पल नहीं। अरे बस करो यार। अरे नहीं बोला ना। रोडी एप्पल्स छोड़ो, एप्पल्स खा लो। Hey, मोची, केन
बरकत रे देखा यहाँ ये खा ले। अरे इतने एप्पल्स है डॉक्टर के पास ही पहुंचा देंगे सब मुझे एप्पल्स क्यों दे रहे हो कुछ गर्मा गर्म खतरे दिख रही है तो ना अरे एप्पल्स के अलावा कुछ खाते वाते नहीं हो क्या तुम लोग कुछ गर्मा गर्म बनाओ पापा जी मुंबई में 24 घंटे सब कुछ गर्मा गर्म मिलता है जिससे देखो एप्पल पकड़ा रखे अरे क्या 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 हुआ बात नहीं हो रही हो अरे खाना क्या हो गया चलो जाओ खतरे दिख रही नहीं चाहिए कैसे हो तुम मैडम मैं बस अभी मार्केट आई थी पता है एप्पल्स 250 रुपए किलो है उन्हें देखकर तुम्हारी याद आई इसीलिए कॉल किया तुम्हें तो वहाँ फ्री में ताजे ताजे अभी पेड़ से तोड़े हुए लाल लाल एप्पल्स खाने मिल रहे होंगे है ना मैडम कश्मीर ने मुझे धोखा दिया एक तरफ ठंड का कुआ दूसरी तरफ भूख की खाई रात में अटैक दिन में कर्फ्यू और एप्पल्स के सिवा यहाँ कोई कुछ खाता ही नहीं मुझे वापस मुंबई आना मेरी पोस्टिंग बदल लिया ऐसे कैसे पोस्टिंग बदल दूं? BSNL एम्प्लॉइज एक दूसरे की हेल्पलाइन नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा विप्लव 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 मैडम नेटवर्क फुल है मुझे पता है सुनाई नहीं दे रहा विप्लव फोन मत काटना मैडम मैडम फोन मत काटना मुझे मुझे यहाँ नहीं रहना मैं मोजी अभी काम कर रही है एप्पल खाते क्या टिप तो कभी दोगे नहीं दिल है छोटा सा छोटी सी आशा चुप कर यार पीतो क्यों सर फर्स्ट ऑफ ऑल मणिरत्नम गौर करे यार रहमान को मिलना है मुझे इसलिए सर दोनों चीटर कश्मीर से कैसे प्रेरणा मिली उन्हें ठंड और सेब के अलावा कुछ है नहीं यहाँ पे हाँ तो चले जाओ ना यहाँ से आप भी खुश और मैं भी खुश आराम आराम वो देखो फ्लावर्स भाईजान भाईजान इधर आइए ना एमपी तो प्रेरणा दिख गई किसकी प्रेरणा रहमान बैकग्राउंड स्कोर की ऐसे घूरो मत सर ये कश्मीर है मुंबई नहीं है दिल ज्योग्राफी नहीं जानता दीपू हाँ उस बोट में एक लीचर पीछा कर रहा है कहाँ है पीछे देखो उधर देख कैसे घूर रहा है अरे सिर्फ देख ही तो रहा है आजकल की तरह देख रहा है जैसे निकल ही जाएगा मुझे ए जल्दी कर चप्पू ले क्यों सेब काटने क्या अरे चप्पू ले चप्पू ये लो सर देख हमारा ये पीछा कर रहा है आई एम द कैप्टन नाउ कितनी जल्दी जल्दी आ रहा है उसे पता चला हम पुणे से तो मक्खी की तरह भिनभिनाता रहेगा मुझे बस अपनी मन्नत पूरी करनी है मैं कोई बहाना बनाकर उसे टालने की कोशिश करती हूँ तू शांत रहे भैया जल्दी 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 चप्पू तो आपके पास है तेरी ज़बान तो मोटर की तरह चलती है पानी उड़ा तो बोलना मत क्या क्या करना पड़ता है आपके लिए Now I'm liking Kashmir. बेगम, तुम जाओ सर। सर मेरी बात तो सुनो प्लीज कैच Hey, wait a second. Hey, क्या चाहिए क्या मसला है कभी मत एक्चुअली बेगम से गुफ्तगू कर रही थी कौन बेगम आप जानते हैं हम कहाँ से आए हैं आपका मुझे डाउट है बट श्योरली बेगम डायरेक्ट जन्नत से रही है हमारा पाकिस्तान से ताल्लुक है अरे बाप रे काय बोल दिया इस इसका छोटा भाई फिरोज जो 8 साल का है उसे ढूंढने आए हैं मुझे तो शक है कि इनके इरादे कुछ और हैं वरना रोज रोज फिरोज को ढूंढने वाले लोग थोड़ी ना मिलते हैं इनके रिश्तेदार बड़े बड़े टेररिस्ट कैंप में से हैं यहाँ पे मरने का इतना शौक है क्या सर तुमने अगर उसे देखा भी ना मुझे देखो सर आई एम हार्मलेस AK-47 से मार देंगे सर हम AK-47 है उसके रिश्तेदारों के पास है इतनी गोलियां मारेंगे कि आपकी मच्छर तक हो जाएगी अगर मच्छर में हाथ जुड़ गया माइंड अगर एक बार इश्क हो जाए बिफोर आई डाई सर खाना खाना स्टार्ट करने की जल्दी भागो यहां से ये पक्का टेररिस्ट है ये लोग बड़े डेंजर होते हैं सर आप गलती खोगे नहीं सो व्हाट अगर वो टेररिस्ट है तो बस
वो ह्यूमंस नहीं है क्या? हार्ट नहीं होता उनके पास? ये जो फीलिंग्स है ना बेगम, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। ये मेरा आईडी कार्ड रख लो, इसके अंदर मेरा नंबर है। प्लीज रख लो ना बेगम, सोच लेना, फील कर लेना, कॉल कर लेना। करेगी करेगी, चलो। कुछ ज्यादा ही शाना नहीं बट रहा है लड़का। दो सुंदर लड़कियां अकेले क्या दिख गई? ये तो अपना नंबर देके चला गया, इतना भी क्या चेप होना? छोड़ ना, सब एक ही जैसे होते हैं। खुशी मिले तो जो मिला, खुशी तो मिले तो दिल मचला। नारियल फोड़ना है। उसे मेरे सर पर फोड़ दो। ये बताओ अभी तुम कहाँ पर हो? वो अनंत
ब्लॉक है ना सर, तो पुलवामा से जा रहे हैं। वहाँ कल ही ब्लास्ट हुआ था, घुसपैठिए आए हैं वहाँ। अरे मेरा प्रेजेंटेशन भेज कर जाओ ना। सेफ रहने का जुगाड़ कर लिया है सर। अगर एक घंटे में आराध्या वापस रिसोर्ट में नहीं आई तो मैं मुंबई जाते ही उसे नौकरी से निकाल दूंगा। हेलो, आवाज नहीं आ रही है सर। मामुलेश्वर टेम्पल जाने के लिए गाड़ी मिलेगी? मामुलेश्वर घोड़ा चलेगा? चलेगा चलेगा। सलीम। हाँ भाई, ठीक है आ जाओ। जाइए भाई। दो लड़कियां बुर्का पहन के मार्केट में आई हैं, मामुलेश्वर टेंपल का पता पूछ रही हैं। लगता है वो सीक्रेट इंडियन आर्मी ऑफिसर है भाई। यहाँ से कोई बाहर न जाए। मैं सोच रहा था आपकी बेगम की लाल बैग में ऐसा क्या हो सकता है। क्या हो सकता है बेतोबाश, एक लड़की उस बैग को जान से ज्यादा संभाल कर रख रही है। जरूर मेकअप का सामान होगा, वो मुस्लिम है ना, तो सुरमा वगैरह ये सब होगा। ऐसा क्या? लेकिन पक्का ना? हाँ पक्का। चलो ठीक है, मुझे लगा कि बॉम्ब तो लेकर नहीं घूमेंगे। बेगम भैया ऊपर जाने का कितना लोगे? बेगम यहाँ, हम यहाँ, वो फिरोज के लिए ना। फिरोज? हाँ फिरोज के लिए। आई नो आप बहुत मेहनत कर रही हैं अपने भाई फिरोज को ढूंढने के लिए, हेल्प का चांस तो दीजिए। मैं ट्राई करूंगा, मतलब इंस्टेड ऑफ लुकिंग अराउंड एवरीवेयर, फिरोज के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। फिरोज मिसिंग है। अगर बच्चे के बारे में चलेगा पता तो प्लीज आकर मेरे को बता। तो यहाँ पे है कोई फिरोज? है तो ये घर ले जाएगी। आ जाओ, डोंट बी शाय। मैं हूँ फिरोज। फिरोज, आप सब लोग है ना जंगली भालू जैसे हो। वो बच्चा फिरोज खरगोश जैसा है, लाइक माय बेगम। इन लोगों को कश्मीर में समझाना बेतोबाश। बेतो ओके, अब बोलो कौन है फिरोज? मैं हूँ फिरोज, मारो उसको। अरे रे 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 रे। ऐसे कैसे मारू? मतलब बैठ के बात करते ना। बेगम आपके भाईजान से ना संभालो ही ना, बोलो ना कुछ। बताना बहुत खतरनाक हूँ मैं, तुम लोगों का सर फोड़ दूंगा। मैं एक पत्थर से 8 फिरोज मार सकता हूँ, समझे? बेगम चलो, ये तो लड़की भी नहीं बताएंगे। चुका हूं मैं, आप सेफ हैं। सायरा
सर। अरे पानी में मत जाओ। डर के आगे जीत है बेगम। पर जीतना क्या है? किसी का दिल। सुहिराम चलिए सर आ जाइए। कश्मीर आए थे तुम करने कुछ हटके, लेकिन नियति में लिखे हैं बड़े बड़े फटके। वो खाने से पहले मेरा दिया हुआ ये सेब खा लेना। गुरुजी मेरे लिए है? तुम्हें आवश्यकता नहीं, इसे है। स्वीटी को आशीर्वाद देना। शंभो हर हर महादेव। शंभो शंकरा। ये सूरी पावरफुल सर, पक्का इनके पास कैलाश पर्वत का लैंडलाइन नंबर होगा ही होगा। कुछ भी। अब क्या ये इधर प्रसाद लेने के लिए खड़ा है? मैं देखती हूँ। हाँ, मदद के लिए शुक्रिया। हम जा रहे हैं। अभी मत जाओ बेगम। आप आज रात मेरे एक्सचेंज आइए, मेरी दावत का लुत्फ उठाइए, फिर मेरे बिस्तर का लुत्फ उठाइए। क्या तहजीब नहीं है क्या? खातून से कैसे बात करते हैं जानते नहीं? घर पे माँ बहन नहीं है क्या? ऐसा क्या कह दिया? इतने ऑफेंड क्यों? लगा नहीं था आप ऐसे वन नाइट स्टैंड टाइप के आदमी हो। जी जी जी, नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब था आज रात मेरे एक्सचेंज आओ, सो जाओ, सुबह हम जाएंगे और साथ मिलकर फिरोज को ताबड़तोड़ खून कर लाएंगे। वो गुंडे कभी भी वापस आ सकते हैं आरा। आज रात मैनेज कर लेंगे। किसी अनजान के यहाँ मैं हूँ ना। ठीक है ठीक है, हम आएंगे। आइए 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 बेटा। चलिए चलिए उधर चलिए। दर्शन हो गए तुम लोगों के? हाँ सब अच्छे से हो गया सर। कल सुबह मैं और आरा रिसोर्ट पहुँच जाएंगे। नहीं नहीं, तुम ये बताओ तुम कहाँ पर हो, मैं खुद आ जाता हूँ गाड़ी लेकर वहाँ पर। कहाँ हूँ एग्जैक्टली नहीं पता, किसी हिल स्टेशन पर, टेलीफोन एक्सचेंज। हेलो 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 चतुर सर, हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? कुछ नहीं होगा, प्रेजेंटेशन तो तेरे पास है। वो क्लाइंट को क्या बताएगा उल्लू का पट्टा, तो उसका टेंशन मत ले, वो कल खुद यहाँ आएगा तो देखना। जॉब भी चाहिए ना बेगम। अरे ये एक नंबर का चिपको है। बेगम आपके लिए बहुत दूर से खाना लाया। क्या है? Your favorite dish. Mutton biryani. Begum. Tougher.
जलेगा देखना। मेरे पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है दीपू। आपको पसंद नहीं? सुना था पाकिस्तान में तो सब यही खाते हैं। इसकी तो मैं। आपको लगता है हिंदुस्तान में वेजिटेरियंस है क्या? हमारे पाकिस्तान में भी रहते हैं वेजिटेरियंस। आरा इज अ प्योर वेजिटेरियन पाकिस्तानी मुस्लिम। पाकिस्तानी वेजिटेरियन मुस्लिम। इनके लिए दाल चावल का जुगाड़ कहाँ से करूँ? थैंक यू साईराम, बहुत दिन के बाद अच्छा खाना मिला। अब मैं बड़े चाव से खाऊंगा। ये तो हाँ सर। बता, निस्वार्थता किसे कहते हैं? अपना ख्याल किए बिना दूसरों की मदद करना। जब बताया तो करके भी बता दे। क्या मतलब सर? सर सर मैं वेजिटेरियन हूँ सर। निकल दे, वेजिटेरियन हो जाएगी। छी छी। अपना ही घर समझो। अब शर्माने की तकल्लुफ मत करना। प्रॉमिस। ए पितू, तू इधर ही सोएगा क्या? मेरे फैलने की जगह है तो सिर्फ सोऊं क्यों? अबे कार्टून, ये खातून है, अकेली है, अम्मी अब्बा से मीलों दूर है। हम दोनों भी इसी कमरे में सोए तो इन्हें बड़ी गुस्ताखी हो जाएगी। इतनी क्या प्रॉब्लम होगी? मुंह बोली बहन जैसी तो है। आपकी नहीं है क्या? भाभी है तेरी। बेगम, आप आराम का फरमान जारी करो प्लीज। वो तो बस बाहर पहरा देते। प्लीज। मुझसे नहीं होगा सर। ठंड से दांत टूट जाएंगे। चुप नहीं सर। गुड नाइट को पाकिस्तानी में क्या कहते हैं? शबा खैर। शबा खैर बेगम। शबा खैर। शबा खैर। बच्चे तो पकड़ लेंगे। सितारा पल में गुलरेजा आरा
सब कुछ किया, लेकिन इस माँ की आंखों में खुशी देखने के बाद वादा आया भाई के साथ ही वापस जाओगे। शेरों में पहला शेर और तू है आखिर, क्या मैं तेरी धड़कन में तुम कितान हो जाऊं शामिल। तुझसे आंख मिलते ही ख्वाबों में वो रंग भर जाते हैं, हम कदम जो बन जाए हम सफर भी वो बन जाते हैं। हाँ कह दे, हाँ कह दूं जब तक है जा, कह दूं तो के ओ बेगम। क्या हुआ? नो स्लीप। आओ बेगम बैठो, कम कम बैठो बेगम, 2 मिनट्स। काफी ठंड है, नहीं मेरी भी नींद खुल गई। पता है मैंने अभी अभी एक सपना देखा बेगम, उसमें मेरी शादी हो गई, मैं और वो इसी घर में रहते हैं, हमारे 2 बच्चे भी हैं, दोनों को प्यार से खिला पिला कर अच्छे से सुला दिया, फिर बीवी के साथ बालकनी में आराम से बैठकर गप्पे मार रहा हूँ। मैं जिससे भी प्यार करूंगा ना, आखिरी सांस तक बस उसी से प्यार करता रहूंगा। सपने तो सपने होते हैं। चाय स्पेशल केसर बादाम दबा के आप नहीं पियेंगे? नहीं, मैं जाके बेगम के साथ पीऊंगा। अच्छा, बेगम को कावा की आदत लग गई है, आगे चलकर मेरी भी आदत लग जाएगी। ये तो मुझसे मिलने पाकिस्तान तो आएगा ना? हाँ, मैयत पे आऊंगा। शुक्रिया भाईजान, खाते में लिख लेना। हाँ ठीक है। रोज 2 किलोमीटर दूर जाके चाय लाने की क्या खुजली है, पैर बहुत दुखते हैं, ये चाय ला सर। बेगम सो रही है, शोर मत कर। ठीक है बेगम।
बेगम। सर यहाँ देखिए। बेगम तो भाग गई, खाओ केसर बादाम अकेले। चले तो पाकिस्तान का वीजा लगा। आजकल मोहल्ले वाले प्यार की भी गारंटी नहीं होती, और ये चले थे गदर एक प्रेम कथा लिखने। फिरोज तो मिल गया, बेगम कटली। चलो ठीक है, अंदर सोने तो मिलेगा मुझे, कुत्ते जैसी ठंडे बाहर। बेगम मुझे चाहती है, मैंने महसूस किया है। तूने नहीं किया? इंटरनेशनल शादी होगी हमारी, शायद उसे डर लग रहा होगा इसलिए यहाँ से चली गई। जरूरत पड़ी तो सर्जिकल स्ट्राइक भी कर लेंगे, उसके अम्मी अब्बू से बात करके शादी फिक्स करवाएंगे। कैसे ढूंढेंगे उनको सर? वो अमृतसर जाकर वाघा बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गई होगी। तो पाकिस्तान चलते हैं। मुस्लिम लड़कियों को देखा क्या? उनके साथ एक बच्चा भी होगा। समझ पाएगी मुझे? तू ही समझाना इसे। मैडम प्लीज उधर, मैं उधर, इधर बैठो। थैंक यू। बेगम मैं आपके साथ जीने मरने की कसमें खा चुका हूँ। मैं जानता हूँ आप मेरे लिए कुछ ना कुछ फील करती हैं। आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपके साथ पाकिस्तान चलूंगा। पर इस ट्रेन से नहीं, वो वाली ट्रेन जाएगी पाकिस्तान, ये हैदराबाद जाएगी इंडिया वाला। आप चलो, अम्मी अब्बा से मैं बात कर लूंगा। बैग दीजिए मुझे। बेगम फिरोज का? फिरोज बच्चा बोलो। बेगम बेगम नहीं, ब्राह्मण। तो बाश मराठी बोली क्या? ब्राह्मण भी बोली। ब्राह्मण? मेरा नाम आराध्या है, मैं कोथरूड़ से हूँ। कोथरूड़ से? कोथरूड़ तो पुणे में है। और वो फिरोज पाकिस्तान? वो हमें डर था कि आप हमारा पीछा करोगे, तो छोटा सा झूठ बोला। पहली बार देखा कोई एनआरआई बनने के लिए पाकिस्तानी भी हो जाएगा। छोड़ो, फर्क नहीं पड़ता, पर तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना? मुझे ईश्वर और किस्मत पर विश्वास है। काफी मुश्किलों से गुजरने के बाद तुम्हारा हाथ पकड़ा और महाबलेश्वर मंदिर जाने की मेरी इच्छा पूरी हो गई। एक्सचेंज में जो हमने साथ वक्त बिताया और तुमने फिरोज को ढूंढने में जो कष्ट उठाए, वो देखकर मेरा दिल पिघल गया। मेरे शब्दों ने बहुत कोशिश की तुमसे दिल की बात छुपाने की, पर आंखों ने सब कह दिया जब तुमने कहा तुम्हें मेरे साथ पूरी जिंदगी बितानी है। उसी पल मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तो बस अब ये हाथ में कभी नहीं छोड़ूंगा। पंडित जी सिचुएशन देखिए, यहाँ मेरे जीने मरने की बात है, ये बकवास बंद कीजिए। बकवास? अरे इसे बकवास मत कहो। अरे न्यूसेंस। महान पंडित का प्रवचन है, माफी मांगो उनसे। माफी मांगो सर? और ये प्रवचन देने वाले मेरे बाबा है। कौन? क्या कहा? कौन? पुणे के सबसे मशहूर स्वामी? तुम सखाराम महाराज वाडेकर को नहीं जानते?
धर्म है सनातन धर्म। कई सल्तनतें आई गई, नास्तिकों ने अपना प्रभाव छोड़ा, लेकिन एक धर्म आज भी जीवित है, भक्ति धर्म। भक्ति जानल कभी देखा नहीं? तुम मेरे डैड को जानती हो? कौन है? राष्ट्रीय नास्तिक संगठन के प्रेसिडेंट लेनिन सत्यम। तुम उनकी बेटी हो? हाँ। उनके नाम से ही बाबा को इतना गुस्सा आता है जैसे किसी ने ब्रह्म हत्या कर दी हो। उन्हें नहीं मना पाएंगे। तुम्हारे लिए पाकिस्तान तक आने वाला था, प्यार के लिए पुणे से क्या डरना? नहीं डरेंगे। दो हफ्ते बाद हमें एक चंद्र ग्रहण देखने को मिल सकता है। एक तरफ नास्तिक इसे प्राकृतिक नजारा मानते हैं और पंडित इसे विनाश का संकेत मानते हैं। सच क्या है ये एनटीवी पर पता चल जाएगा। आइए हम उनका स्वागत करते हैं, द फेमस एथिस्ट मिस्टर लेनिन सत्यम जी का और श्री सखाराम महाराज वाडेकर जो एक हिंदू प्रवचन करता है। सखाराम जी नमस्कार। नमस्कार। चंद्र ग्रहण के दिन चांद को देखना सही है या गलत? चंद्र ग्रहण तब होता है जब राहु का प्रभाव भारी हो, इस कारण राहु इस दौरान चंद्र को निगल जाता है। चांद कोई चॉकलेट है क्या जो राहु से निगल जाएगा? ये राहु हमारी सोलर सिस्टम में कहां है जरा बताइए। इट जस्ट अ शैडो ऑफ द अर्थ ऑन द मून। आप खामखा बेचारी जनता को यूं ही डराते रहते हो। सुनिए श्रीमान, टेलीस्कोप के आविष्कार से कई साल पहले ऋषि मुनियों ने ग्रहों की चाल स्थापित कर दी थी, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? पहले के कुछ लोग कुछ भी कह देते थे, अगर ऐसा होता तो इसरो में साइंटिस्ट नहीं क्लर्क बैठे होते। ये बेकार की बातों से मैं आप जैसे लोगों को जनता को गुमराह नहीं करने दूंगा। प्लीज आप अपना दृष्टिकोण बताइए, इस चंद्र ग्रहण के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? कुछ विशेष नहीं, ग्रहण काल में आपको आहार और स्नान से खुद को वंचित रखना चाहिए, इतना ही। हल्के तो हो सकते हैं ना, या उसके लिए भी परमिशन चाहिए? हार्ट अटैक आए तो हॉस्पिटल नहीं जा सकते। मुझे समझ नहीं आता जाफर, आप ऐसे लोगों को अपने पैनल पर शामिल कैसे कर लेते हैं? क्या बकवास कर रही हैं? आई विल नॉट टॉक टू दिस ब्रेनलेस फेलो। क्या बात कर रहे हैं? कैसे आप शब्द बोल रहे हैं? ऐसी बातें करते हुए इन्हें शर्म नहीं आती क्या? एक मिनट आप शांत हो जाइए। सिर्फ बकवास करना जानते हैं ये, कौन इनकी इज्जत करेगा? सर प्लीज शांत हो जाइए। की तरह काय काय मत करिए, चांदी की अंगूठी में मोती डालकर पहनिए, क्रोध कमाएगा। ससुर जी चलिए चलते, वैसे भी हमारी गाड़ी का समय हो रहा है। देखो किस तरह फैक्ट्स और लॉजिक की बात आ गई तो बोरिया बिस्तर बांधकर निकल पड़ेगा। हम डरते नहीं है, पुणे में नहीं है इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। हमारे शहर में आते तो आपको हमारी असलियत पता चल जाती। शक्ति से बात कर रहे तो तांडव कर रहे हैं। जाफर जी मुझे दोबारा इस मूर्ख के साथ डिबेट करने कभी मत बुलाना। इट्स ओवर। सर विप्लव ने कश्मीर से मुंबई ट्रांसफर की रिक्वेस्ट की है सर। उसकी मदर को अस्थमा है सर और उसके फादर को बैक पेन की तकलीफ है। पेरेंट्स का भी इकलौता सहारा है। ओके सर, थैंक यू सो मच। पहली बार मिले, एक हफ्ते में प्यार हो गया और अब शादी। ये लड़की है या राजकुमारी है? स्वर्ग से उतरी एक अप्सरा है मैडम। चंद्र ग्रहण के वक्त मैं और मेरा पूरा परिवार टेरेस पे जाकर वो देखेंगे और चिकन बिरयानी भी खाएंगे।
और अगर हम जिंदा बच गए तो तुम सखाराम से पूछना वो अंधश्रद्धा फैलाना कब बंद करेंगे। तुम एक काम करो, उन्हें डिबेट के लिए बुलाओ। सब अच्छा करें। लेकिन मेरे पति सबके बिल्कुल खिलाफ है। खुद तो नाश्ते के गुरुजी और हमें भी पूजा पाठ करने नहीं देते। मुझे तो मारते भी है कभी कभी। देखिए हाथ की सभी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, छोड़िए। गुरुजी ऐसे लोगों पर आपको कहीं गुस्सा तो नहीं आता ना? मुझे भला आपके पति पर क्रोध क्यों आएगा? अच्छा तो फिर आप अपनी बेटी आराध्या की मेरे बेटे के साथ शादी करवा दीजिए ना। हाँ क्या कर मैं अपनी बेटी की शादी लेने सत्यम जी का बेटा हूँ गुरुजी। आराध्या और मैं प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। देवा बड़ा चालाक है वो, हमें हराने के लिए उसने आपकी बेटी को फंसा लिया। नाता जोड़ा तो इज्जत जाएगी, आराध्या को बुद्धि नहीं है क्या? नहीं है लेकिन तुम्हें और कोई नहीं, सत्यम का बेटा ही मिला। मुझे नहीं पता था विप्लव सत्यम जी का बेटा है। सत्यम जी पढ़ा लिखा गवार है, लोगों की श्रद्धा का मजाक उड़ाकर उनकी धार्मिक भावनाओं को नीचा दिखाना जानता है वो। विक्षिप्त है वो। प्यार दिल से होता है दिमाग से नहीं। ऐसे लोगों के साथ रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं? इसे प्रोत्साहन देने के बजाय बुद्धि चलाओ। पर तुम तो मिले हो ना उस लड़की से और उसकी माँ से मंदिर में। अब बहुत अच्छे लोग हैं और लड़का तो कितना अच्छा है। अच्छे लोग दुनिया से खत्म थोड़ी हो गए। सुनिए आप जरा शांत हो जाइए। तुम चुप रहो। सुन बेटा
तेरी बेटी उस लड़के से प्यार करती है। तू शास्त्रों में मानता है तो शास्त्रों की सुन। देखो सत्यम को ये रिश्ता मंजूर है या नहीं, है कि नहीं बेटा? अरे हम उनसे बात क्यों करें भला? मैं अपनी बेटी को उस काल कोठरी में क्यों भेजूं? अरे बताओ मुझे क्यों भेजे हम अपनी बेटी को वहाँ? वो यहाँ अपने पुत्र की वजह से आ रहा है, उसकी मजबूरी है। डिबेट का बदला हम कल पूरा करेंगे। बेटा इसका चेहरा देख। मान जाइए ससुर जी, मान जाइए। वो लड़का इसे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा है वो। ससुर जी मान जाइए, सोच कर देख। ठीक है बात करते हैं, लेकिन ना मैं उसके घर जाऊंगा, अब वो यहाँ आएगा, देखते हैं। डैड और राधे अपने पापा जैसे नहीं है, वो बहुत प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, हमारी तरह। माँ आपने तो बात की है ना, बताओ ना। वो आपसे भी ज्यादा मॉडर्न है, सब्जी दो थोड़ी सी लीजिए ना। शादी के बाद तेरा नाम विप्लव से विप्र नारायण करने की मांग भी कर सकते हैं वो सखाराम। वो बकवास करते हैं, लोगों के दिमाग में दीमक की तरह घुस जाते हैं, और तुम उन्हीं की बेटी के साथ? डैड मुझे आराध्या से शादी करनी है, उसके पापा से नहीं। वैसे भी कल वो शादी की बात करने मुंबई आ रहे हैं। वो आ रहे हैं, आने दे उन्हें, लेकिन उन्हें घर में नहीं आने दूंगा, कहीं बाहर मिलेंगे। ठीक है डैड। देखिए इस विषय पर बात करने के लिए ये शुभ मुहूर्त नहीं है। ये क्या है? सीधे पॉइंट पर आता हूँ। मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है, आप इस शादी को मत रोकिए। बस बस मैं अपनी बेटी को आपके घर की बहू क्यों बनने को इसका कारण बता सकता है? हम ना तो जाति को मानते ना धर्म से फर्क पड़ता है, धार्मिक तो बिल्कुल नहीं है। हमें अच्छे काम करने के लिए आपकी तरह किसी मुहूर्त की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। एक दूसरे से प्यार करते हैं काफी है हमारे लिए। आप शायद इन सब बातों से संतुष्ट हो, परंतु मैं इनकी कुंडलियां मिलवाऊंगा। जन्म कुंडली हमें सब में नहीं मानते, बस बहुत हो गया। चलो चलो विप्लव, ये कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? मेट्रो से मेट्रो से पहले हम क्यों उतरे डैड? हम क्यों भागे? बैठ जाइए। अच्छा नहीं लगता अंकल। ठीक है नहीं जाते, बैठ जाइए डैड। इसलिए तुमने ये मीठे यहाँ पर रखे हैं ना? चल चल चल। कुंडली नहीं है और कुछ? मुझे पता था, इसीलिए विप्लव के पैदा होते ही मैंने उसकी जन्म कुंडली बना ली थी। ये लीजिए। क्या करें? क्या करें? और क्यों डाले? अंकल। ओरिजिनल। उत्तरषाढ़ नक्षत्र है, लड़के का रोहिणी नक्षत्र। सांप और नेवले की जोड़ी, ये साथ रह नहीं सकते, प्राण जाने तक लड़ते हैं। नाड़ी का महादोष है क्या? यदि इनका विवाह हुआ तो इनका जीवन आसान नहीं होगा, दुख निराशा संतान प्राप्ति की समस्या। इनके विवाह के पश्चात कलेश ही कलेश होंगे, घर में उपद्रव के अलावा कुछ नहीं होगा। इसका कोई निवारण तो होगा गुरुजी? पुत्र पिता को एक साथ नाड़ी निवारण हवन करना होगा। हवन? एक संपूर्ण विवाह यंत्र को घर के दरवाजे पर प्रतिष्ठित करना होगा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना होगा, चार ब्राह्मणों को वस्त्र धान्य और गाय दान करनी होगी, तदुपरांत आपको गोबर के उपलों से दीवार सजाए। तुम्हें जो करना है करो, मैं इस शादी की इजाजत नहीं दूंगा, मैं कभी नहीं मानूंगा। चलो चलते हैं। चलिए माफी चाहती हूँ गुरु जी, बाय बेटा।
लिए उनकी बेटी से शादी करनी है। अगर वो राजी भी हो जाते ना तब भी मैं इजाजत नहीं देता। डैड हमें इजाजत की जरूरत नहीं, मैं आराध्या से ही शादी करूंगा कल सुबह। तो तुमने निश्चय कर ही लिया? तुम रुको ना। देखो बेटा आराध्या, एक पिता तुमसे नहीं कह रहा, विख्यात शास्त्रज्ञ सखाराम वाडेकर कह रहा है, कुंडली ना मिलने के कारण सुखी नहीं रह पाओगी, केवल दुख ही दुख होगा। उसे हवन करने के लिए मना लो बेटा, वरना तुम्हारा जीवन नरक बन जाएगा। मैं उसे ऐसे जबरदस्ती हवन नहीं करवा सकती पापा। विप्लव अच्छा लड़का है। वो हमेशा मेरा ख्याल रखेगा पापा। मैं उसके बिना जीवित नहीं रहूंगी ना, लेकिन हमारे बिना जी लोगी? ऐसा नहीं है पापा। देखो हमें बुलाने को तैयार तो ठीक है फिर। सुन लिया ना बाबा, और क्या मतलब है तुम्हारा? यही कहा ना बेटा, इसका सामान बांध दिया ना, तो ले आओ, दे दो, जाने दो इसे। अरे हम कैसे जाने दे सकते हैं? ठीक है ना, तुम रुको ना। कुछ लोग समझाने से समझते हैं और कुछ ठोकर खाने से भी नहीं समझते। 6 महीने में लौट आएगी, लिख के रख लो ये बात। लेकिन आजा बेटा, जाओ जाओ। अरे सामान दो ना, पकड़ाओ ना इसके हाथ में। ये लो, ये पकड़ो, ये तुम्हारा बैग और ये तुम्हारी अटैची। आपको भी जाना इसके साथ, जाओ। मेरी बात सुन बेटा, जाओ अपने नए जीवन का आरंभ करो, जाओ। यकीन ना करने वालों को भी, पूरी दुनिया को प्रूव करेंगे, पूरे ब्रह्मांड को प्रूव करेंगे। क्या हुआ? काली बिल्ली। हाँ तो अब शकुन होता है तो अब तुरंत नहीं निकलेंगे विप्लव। 2 मिनट रुक कर जाए प्लीज, ठीक है ना? घर पर कैसे बुलाऊं?
पुष्पा, अगले 3 दिन तक झुकेगा नहीं साला, कोई डिस्टर्ब मत करना। राष्ट्रीय नास्तिक संघ के अध्यक्ष लेनी सत्यम के बेटे और विख्यात हिंदू प्रवचनकर्ता श्री सखाराम महाराज वाडकर की बेटी ने आज रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी कर ली है। इस शादी के बारे में हमें इतनी जानकारी प्राप्त है। क्या आपके पेरेंट्स को इस बात की खबर है? क्या आपने अपने परिवार से छुपा के शादी की है? हमने कुछ नहीं छुपाया। अगर आप दोनों में आपके पेरेंट्स की तरह झगड़े हुए तो? ऐसा मौका तुम्हें नहीं देंगे। Then how will you manage? With love. देख रहे ससुर जी, इसके चेहरे पर जरा भी लाज और शर्म नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन तेरे चेहरे पर साफ दिखता है पुल्लू का पट्टा। बेटा, जरा अपने गुस्से को काबू में रखकर देख, दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लगती है। आगे नजर उतार लीजिए। ये जोड़ी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, ससुर जी ने कहा है। नाड़ी का मां दोष है। शादी के बाद पहले दिन मैं जोया को बड़े प्यार से बिरयानी बनाकर खिलाना चाहता था, गलती की, क्योंकि उस दिन से किचन में आना ही बंद कर दिया इसने। कम ऑन, खाना बना लेती हूँ आराध्या। क्या बात कर रही है मैडम, आराध्या के हाथ का कभी हलवा खाकर देखिए आप। पुणे के मंदिर में आपने सुना होगा एक शीरा बहुत फेमस है, उसकी रेसिपी इसी ने दी थी। आराध्या, तुम थॉमस से कुकिंग सीख सकती हो। उसके बाद विप्लव तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा बल्कि उंगलियां चाटता रह जाएगा। घर पर सिर्फ आप दोनों ही है? हाँ, पर हमारी बेटी है, लिजी नाम है, वो हमारे गांव आलेपी में रहती है। उसे उसे नेचर और शांति कुछ ज्यादा ही पसंद है। हम हर साल उसके बर्थडे पर उससे मिलने जाते हैं। खाओ ना बिरयानी, दिल खोल के खाओ। क्या पूछ रहे हो, मस्ती सूझ रही है? पापी, अच्छा लगा तुम्हें? घर ले जाओ। घर चले आ रहा था। विप्लव, क्यों उस क्वार्टर में जाना है? कितना पुराना है और पेंटिंग हुई है, स्मेल आ रही होगी, यही रुक जाओ ना आज। अरे आपको क्यों डिस्टर्ब करें मैडम, हम लोग मैनेज कर लेंगे। अरे मच्छर तुम्हें काट खाएंगे। मस्कीटो कॉल दे दीजिए मैडम, एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन आज जाने की क्या जरूरत है? मैडम बस दो तकिया और चादर दे दीजिए, मैनेज कर लेंगे हम। ठीक है, मना क्यों किया, वही सो जाते। तुम्हें लगता है आज हम सोने वाले हैं? दाया पैर रखा तो तुम्हारे पापा बुरा मानेंगे, बाया पैर रखा तो मेरे पापा बुरा मानेंगे। एनी आइडियाज? तो मैं तुम्हें जमीन पर पैर रखना ही नहीं दूंगा। Thank you.
करके आप तू चाचा बनने वाला है। वाह भाई, अच्छी खबर दी। अच्छा एक काम कर, जल्दी से लड्डू लेकर हॉस्पिटल आ जा। ओके भाई, आता हूँ। राइट। पॉलिसी खरीद रहे हैं, जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ, शंकर जी जा। तो खबर ये है कि आप विप्लव के होने वाले बच्चे के मौसा बनने वाले हैं। तो जाकर ससुर महाराज से कहिए कुंडली बाद में बनाए, पहले एक मस्त बेबी शावर की पार्टी का इंतजाम करें, ठीक है ना? तथास्तु। डैडी, एक साल के अंदर। क्या हुआ यार, भाभी थकी हुई लग रही है। अरे यार, आर के बच्चे कितनी जल्दी गया, शादी को एक साल भी नहीं हुआ है ना। अभी कितना कुछ देखना है, दुनिया घूमने जाना है। मुझे और आरा को पर्सनल स्पेस नहीं चाहिए क्या? अच्छा हुआ डॉक्टर ने बता दिया है, फॉल्स पॉजिटिव था। अभी प्रेग्नेंट नहीं है। अरे फिर ये लड्डू कहीं भी बांटते क्या? बोल के बांटू हवन नहीं किया शायद इसलिए। डॉक्टर ने कहा ना ये काफी नॉर्मल है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक बात कहता हूँ, ये वक्त हारने का नहीं, हिम्मत रखने का, सब ठीक हो जाएगा। ओके गर्भवती हो गई। सुना आपने, आराध्या पेट से है। याद है आपने क्या कहा था, लड़के के कुंडली में महादोष है, बच्चा नहीं हो सकता। कुछ ही दिनों में उन्होंने आपकी विद्या को गलत साबित कर दिया, अब उस सत्यम को हम क्या मुंह दिखाएंगे ससुर जी। आराध्या गर्भवती है, ये सुन के तो मेरा दिल ही बैठ गया। स्वार्थी होने की भी एक हद होती है, अपने घर की खुशियों को नजर लगाता है, ये भगवान का आदमी है। कुंडली में सिर्फ भविष्य दिखता है, उससे हमारा वर्तमान कभी नहीं बदलता। आराध्या बचपन से ही जिद्दी थी, चलना उसे मिलकर आते हैं बेटा। बेटा
अगर उसकी माँ जिंदा होती तो क्या वो एक पल के लिए भी सोचती? बेटा चलना। जिंदगी के बेहतरीन साल थे। अब वो डालो। शादी इस घड़ी की तरह डेलीगेट होती है आराध्या। यू हैव टू एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ लाइक दिस। और विप्लव को मैं जानता हूं, उसे प्रसादम पुलियो तरह अब फिश की बारी। महक रही है ना?
में खुश होना चाहिए। क्या राधे अपना परिवार शुरू कर रही है। अपनी बेटी से बात तो कर ले बेटा, सोच क्या रहा है। अरे बात कर इसे, बात करना बेटा। हेलो सखाराम जी। किसी महान आदमी ने कहा था, बच्चा पैदा करने के लिए हवन करो, खाना खिलाओ, गोबर से घर साफ करो, ऐसी बहुत बहकी बहकी बातें की थी उसने। आपके शास्त्रों को हरा कर विप्लव और आराध्या अपना परिवार शुरू करने वाले हैं। मिस्टर सखाराम, पेड़ से एप्पल नीचे गिरता है इसकी वजह एक साइंस है, ग्रेविटी साइंस। एक लड़की के प्रेग्नेंट होने की वजह भी एक साइंस है, रिप्रोडक्टिव साइंस। और इसको समझने के लिए साइंस को जानना बहुत जरूरी है। अगर जरा भी शर्म है आप में तो हार मान लीजिए, और हो सके तो इस होने वाले बच्चे से दूर रहिए। गुरुजी, ये तो मजाक कर रहा है। और सर से ये भगवान का बोझ उतार कर इंसान बनिए हमारी तरह। पापा, एक मिनट रुको, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। बेटा, क्या कह रही हो? मेरा बच्चा नहीं रहा जी, मेरा बच्चा नहीं रहा। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, सत्यम जी कुछ कह रहे थे आप साइंस वगैरह के बारे में। पेड़ से फल गिरने के पीछे साइंस होता है, बच्चा स्वस्थ होगा या नहीं उसमें भी साइंस होता है। मगर पंचभूतों के तत्वों के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। सृष्टि से साइंस का जन्म हुआ है, साइंस से सृष्टि का जन्म नहीं हुआ। तुम जैसे अज्ञानी ये नहीं समझेंगे, छोड़िए। किए बिना तुम्हारी कोख में बच्चा नहीं पलेगा, या आध्यात्मिक गुरु सखाराम महाराज नहीं कह रहा, तुमसे स्नेह करने वाला तुम्हारा पिता कह रहा है। इसे कंसोल कर लेता हूं ना। चलो यहां से। क्या जल्दी थी, एक आध दिन तो रुकी सकती थी ना। तुम मुझ पर गुस्सा हो रहे हो? गुस्सा नहीं हुआ राधिया, कभी कभी दिमाग लगाया करो, इमोशन हमें फंसाते हैं। बेबी, लेकिन मैं तो सच बात, अगर तुमने तो रोका ही,
जैसे पहली बार झूठ बोलने वाली थी। क्या झूठ बोला है मैंने तुमसे? जाने दो, मुंह मत खुलवा। नहीं, इट्स ओके विप्लव, टेल मी, मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? पाकिस्तान, फिरोज, टेररिस्ट कैंप। कितने झूठ बोले इसने मैडम। वो तो सच्चा प्यार करता हूँ इसलिए माफ कर दिया इसे। ये सब क्या है विप्लव? शाम को डिस्कस करते हैं, अभी ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ, मैंने तुमसे ये झूठ बोले थे। तुमसे प्यार नहीं करते ये झूठ भी कह दिया होता तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और बदले में ये मिला। ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? आप तो बड़ी है ना मैडम, ये एक पति पत्नी का निजी मामला है, आप बीच में क्यों बोल रही है? ए, तो मैडम से क्यों बदतमीजी कर रही? शांत हो जाओ। सॉरी बोलो। इसे सॉरी कहने क्यों बोल रहे हो? कोई बात नहीं आ रहा था, चलो ऑफिस चलते हैं, चलो। इन्हें सॉरी कहो आ रहा था। सॉरी मैडम। स्वाभिमानी लड़की है, उसे बुरा तो जरूर लगा होगा। अरे आप टेंशन मत लो मैडम, कुछ नहीं होगा। वो नहीं जानती तुम पर भरोसा करे या नहीं, ये फीलिंग हर लड़की को डरा सकती है। मैडम कभी कभी उन्हें उनकी जगह दिखानी पड़ती है। ए, रुको। क्या हुआ मैडम? पुत्र क्या कहा तुमने? कभी कभी उन्हें उनकी जगह दिखानी पड़ती है। उन्हें मतलब सभी लड़कियों को दिखानी पड़ेगी? मतलब ये नारियल वाली, तुम्हारी बॉस, तुम्हारी बीवी, सबको ना? इस नारियल वाली का उससे क्या लेना देना मैडम? क्यों, अभी तो तुमने कहा। हर लड़की को तुम एक ही चश्मे से कैसे देख सकते हो? मुझे लगा था कि तुम दूसरे मर्दों से अलग हो। एक काम करो, आज तुम ऑफिस चल कर आओ। मैडम। यस, जस्ट थिंक अबाउट व्हाट यू सेड। मैडम मुझे छोड़कर मत जाइए मैडम। राधिया ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? सुबह जब उससे बात करने गया तो मुंह पर दरवाजा बंद करने वाली बात को इतना बढ़ा दिया, कहती सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। अरे दरवाजा बंद करके मैं भी तो अंदर परेशान था, अगर मैं सुसाइड कर लेता तो। अरे शादी का मतलब ही सुसाइड है, तू मर गया यार, डेड मीट, आरआईपी। मैं ये नींबू नहीं छोड़ दूं। यहां आने के लिए किसने कहा? किसने कहा आने के लिए? बीवियों की बुराई चालू थी, नॉक करके आना चाहिए। गेट आउट ऑफ माय साइट और चकना रख दे। हमेशा उनकी जगह दिखानी पड़ती है। तुझे शर्म आती है? तुझे औरतों की जगह कहाँ है और कहाँ नहीं ये तू बताएगा उन्हें? तो कहाँ है उनकी जगह? उनकी जगह यहाँ होनी चाहिए। ओह, ओके। दीदी, दीदी सॉरी, इसके बाद का बुरा मत मानना। आप प्लीज सर्व कीजिए। पहले सर के ग्लास में डालो। आप मुझसे इतना डर क्यों रही हैं? रिलैक्स, आइए। आपको क्या लगा मैं कौन? मार्केट में तो मुझे ऐसे ही बदनाम कर रखा है, असल में मैं फेमिनिस्ट हूँ। प्लीज सिट, सिट। अरे बैठो ना। पसीना पोछ लो। आराध्या से वो सब नहीं कहना चाहिए था। अब बस चाहता हूँ उसके पास जाऊं, उसे गले लगाऊं और सॉरी बोलूं। यार पहले कभी बोला नहीं तो प्रैक्टिस करना बेटर है। एक बार के लिए लक्ष्मी बाई को आराध्या भाभी समझ ले, गले लगाकर जो बोलना है बोल दे। गली साले, आराध्या के सिवा किसी और को कभी गलती से भी हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। ओके सर। प्रोजेक्ट सक्सेस पार्टी में क्या पहनने वाली है? मेरा पार्टी करने का मूड नहीं है। ए, तेरा पति? उधर देख, वहाँ। आराध्या, आराध्या, आराध्या। Baby.
जाके देखो कितनी थकी हुई है। ये नाइट शिफ्ट सब बहुत हो गई, पकड़ो। कॉफी पिलाता हूँ, मैंने बनाई है। बेबी लो, पी लो ना प्लीज। बेटी, तुम इसे जानती हो? हाँ हाँ। नहीं बेबी, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? नहीं आंटी, वो मजाक कर रही है। चलो निकलो, उधर जाके खड़े हो। बेबी सच बोलो ना बेबी। जाओ जाओ, इसे भी लेकर जाओ। बेबी कुछ तो कहो। उसे छेड़ते नहीं है, खासकर तब जब उसका पति सामने ही खड़ा हो, यानी मैं। झगड़ा थोड़ी ना बोलते, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन था बस।
हमें इस मोहल्ले की बेस्ट जोड़ी कहते हैं। हमें भगवान भी अलग नहीं कर सकता। भरोसा नहीं है मुझ पर। ठीक है, मुझे 24 घंटे दो। दुनिया का बेस्ट हस्बैंड बनके नहीं दिखाया ना तो देखना। प्रॉब्लम होगी
तुमने देखा नहीं कितना लो लग रहा था? ये मामले उनके लिए सेंसिटिव होते हैं, उससे अभी मत पूछो आराध्या, घर जाकर आराम से उससे बात कर लेना। चलो थोड़ा सा और। परफेक्ट, यस, ये ले पी। अरे दो पिक के बाद दुनिया इतनी बुरी नहीं लगती, चल पी ना, चल ले। चीयर्स। हे, तुम कौन हो, किसने इनवाइट किया? इसका दोस्त हूँ सर। आराध्या ने तो विप्लव के बारे में बताया था, ये कहाँ से आ गया? ये क्या है, क्या पी रहे हो? ग्लेनफिश। क्या कहा मैंने? फ्रिज। तुम्हारी औकात के बाहर है, इट्स फॉर प्रीमियम पीपल लाइक मी। तुम्हारी सैलरी में एक पैक नहीं आएगा, पास वाले काउंटर पर जाओ, सस्ती शराब वहां रखी है तुम्हारे जैसे फ्रीलोडर्स के लिए। गो। इडियट, क्या कर रहा है? गिव मी टिश्यू। आज तक मेरे बाप ने भी कभी मुझे इस तरह दारू पीने से नहीं रोका। घर पर तो हमेशा इसका मुंह लटका हुआ रहता और कलीग्स के साथ देख कितने खुश है। अरे मैं अपने पेंट हाउस में भी रोज दोस्तों को दारू पिलाता हूँ, ये मेरी औकात के बाहर है क्या? अरे मना किया तो बात भी नहीं करेंगे क्या? आके बात तो करनी चाहिए ना। अरे दिन रात सिर्फ बीवी की बातें करता रहता है, मेरी वैल्यू नहीं है क्या? कितना झेलता हूँ तुझे, तेरी शादी करवाई, डॉक्टर के पास ले गया तुझे, मैं तेरे दुख को अपना समझता हूँ, लेकिन मेरे दारू को तू समझता ही नहीं। उस कमीने को भी कुछ नहीं बोला, कितनी बेइज्जती की मेरी। चला क्या है? अब ग्लेन फ्रिज काम नहीं करेगी, देसी से ही दर्द कम होगा, समझा ना? मुस्तफा, मुस्तफा, don't worry. विप्लव, पहचाना मुझे? मैं रत्ना, विल्सन हाई स्कूल। तुम्हारी शादी हो गई ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो क्यों? क्योंकि अब मेरी जिंदगी में तीन हीरो जैसे बच्चे हैं, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है, सो सैड। मेरी हालत मतलब? रत्ना को मेरी हालत पर दया क्यों आ रही थी भाई, क्या हुआ मुझे? आराध्या, ऑस्ट्रेलिया में मेरे चाचा एक फेमस डॉक्टर हैं, 50 साल के पेशेंट्स की भी इनफर्टिलिटी का इलाज कर सकते हैं, विप्लव की बात करा सकते हैं। सोलापुर में एक बाबा जी को जानती हूँ, विप्लव को उनका पता भी दे सकती हूँ। इन्हें कैसे पता, तूने बताया क्या? मैं क्यों बताऊंगी यार? I thought he has power house. शर्म से मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा। ये सबको पर्सनल मैटर क्यों बता रही है? ये कैसे अपना मुंह बंद नहीं रख सकती है क्या? बस कर, पागल है क्या? चल स्टेज पे जा, माइक लेके सच बता दे सबको, जा। सबको मेरा प्रणाम, मेरी इज्जत और मेरी मर्दानगी पर आज जो भी सवाल उठा रहे हैं उनसे मुझे डायरेक्ट बात करनी है। मेरे लैब टेस्ट के रिजल्ट आ चुके हैं, मर्दानगी के सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन से पास हुआ ये शेफ। लेकिन मेरी बीवी मुझे बदनाम करने के लिए झूठी कहानियां बता रही है। अब मेरी बीवी के बारे में, सॉरी, बीविया इन जनरल असल में कैसे होती है ये आज सबको बताऊंगा। Thank you.
24 घंटे पूरे होने से पहले ही झगड़ा कर लिया। पति पत्नी में झगड़े होते हैं, ये बहुत ही कॉमन चीज है। ना मुझ में प्रॉब्लम है, ना तुम में प्रॉब्लम है, तो फिर आखिर क्या है प्रॉब्लम? तुम्हें पता है तो तुम बताओ। मेरे बाबा ने बताया था प्रॉब्लम हमारी कुंडली में है। उन्होंने जो भी कहा था वो सब सच हो रहा है। अगर वो हवन करवा लेते तो। आराध्या, मेरे डैड की समाज में एक इमेज है, मैं उन्हें बुला के ऐसी चीजों में शामिल नहीं कर सकता। प्लीज थोड़ा वक्त दो, जो भी है सब ठीक हो जाएगा। सालों साल कुछ नहीं बदलने वाला विप्लव। तुम्हें याद है एक दिन ट्रैफिक सिग्नल पर हम मिस कैरेज की बात कर रहे थे और एक बाबा ने मुझे बुलाकर सेम हवन करने कहा। हाँ तो सृष्टि हमें इशारा दे रही थी हवन करने के लिए। पागल हो गया, सर में भूत सवार हो गया। तुम मानते हो भूत है तो भगवान पर विश्वास करने से क्यों डरते हो विप्लव? आराध्या मेरी जान छोड़ो, जाओ। तो क्या मैं हमेशा के लिए चली जाऊं? नहीं, बस कुछ घंटों के लिए बख्श दो। प्लीज सोने दो, कल बात करेंगे। विप्लव, टेस्ट के वक्त किसके बारे में सोच रहे थे? छोटा था ना तब टाइटैनिक देखी थी, तब से जब भी मूड खराब होता है उसी हीरोइन से बात कर लेता हूँ। क्यों, तुम्हें लगा तुम्हें करूंगा? खाओ ना, फिर झगड़ा हुआ तुम दोनों में। 2 दिन बाद लिजी का बर्थडे है, थॉमस और मैं एलबी जा रहे हैं। काफी सुंदर जगह है, तुम्हें और आराध्या को भी चेंज की जरूरत है, तुम दोनों भी साथ चलो। अरे मैडम, हम किस लिए बेवजह पार्टी, और सबका मूड खराब हो जाएगा। मेरी बेटी का बर्थडे है और मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। अरे प्लीज मैडम, उसे लाओ वरना फिर से कश्मीर भेज दूंगी, समझे? गई है, अभी एयरपोर्ट छोड़कर आ रहा हूं। वो लीजी का बर्थडे है ना, कह रही थी केरला जाओ, अच्छी जगह है। देखो आराध्या, जोया मैम ने ना पहले दिन से ही हमारी काफी मदद की है, तो अपना ईगो साइड में रखो। नहीं मतलब हम अपना ईगो साइड में रखते हैं और वहां चलते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इस बचपने को खत्म करते हैं और थोड़ी मैच्योरिटी दिखाते हैं। शादी पक्की समझो, हस्बैंड वाइफ बैठे तो बच्चे पक्के समझो। निकल के इतने होटल में कितने बच्चे हैं आपके? बोलिए भाई साहब, आप चलाइए ना, प्लीज चलाइए। क्या गलत काम है ना? तुमने पूछा था कि मैं ठीक हूँ या नहीं? सब लड़कियाँ शादी के बाद इतनी बदल क्यों जाती है?
हर बात पे बतंगड़ यार। अगर मेरे साथ वक्त बिताने से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो फिर मना कर देती ना। मैं यहाँ जोया मैडम के लिए आई थी। सुपर, थैंक यू। तो अब जोया मैडम के खातिर ही दो दिन सुकून से बिताते बिना झगड़ा किए। उसके बाद जो मन में आए करना। मेरे साथ घर चलना हो तो आना, वरना अपने बाबा के घर चली जाना। बस सिर्फ दो दिन का सुकून मांग रहा हूँ। पागल कर दोगी मुझे। Celebrate Lizzie's birthday. Happy birthday, Lizzie. Happy birthday. Okay, thanks, Father. Enjoy. Everybody, enjoy. Enjoy your food. Enjoy. Go and enjoy. Biplav, welcome. Hey, and the sad irony, Clever Clown. It's Lizzie's birthday today. Oh, chalo, let's enjoy. Sad faces Lizzie ko bilkul pasand nahi. Samjhe? Lizzie का बर्थडे है विप्लव, at least have one drink with us, हाँ, है ना? Come on, cheers, cheers आराध्या, Lizzie को क्या हुआ मैडम? Lizzie, time कब था उसके पास? चली गई छोड़कर। जिस दिन लिजी की डिलीवरी हुई थी, प्रीमैच्योर बेबी थी। उसके कई वाइटल ऑर्गन्स पूरी तरह फॉर्म भी नहीं हुए थे। उसे जब हाथों में लिया तो डॉक्टर ने कहा, बी केयरफुल, हड्डियां टूट सकती हैं। उस बेचारी जान को देखकर मेरा दिल ही बैठ गया। जितने रिश्तेदारों से देखने आए थे, एक भी शब्द कहे बिना लौट गए। डॉक्टर्स ने उसे 6 महीने की मोहलत दी थी। तब थॉमस ने मेरा हाथ थामा और कहा, इसे जिंदगी देने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, देखना। उस वादे की वजह से 5 साल हमारे साथ रही। उसके बाद हमने कोशिश नहीं की। डर था कि कहीं फिर से वो सब झेलना ना पड़े और हम एक दूसरे के बच्चे बन गए। हमारी लिजी आई और फिर चली भी गई, पर थॉमस हमेशा साथ रहा। मेरी हिम्मत है। अच्छे खासे मूड की बहन बना ली तुमने। Enjoy.
आराध्या, कुंजप्पन, कुंजप्पन, हाँ भैया, हाँ, आपने आराध्या को देखा क्या? किसे? अरे आराध्या, मेरी बीवी। जॉनसन, इंदु, ता सारने भारी है उड़े के लिए कंडा हो। अगर बोटी जटी लेके बोट आरवणी को राय ना। भैया, वो तो चली गई। कोई प्रॉब्लम है क्या? कुंजप्पन, बोट निकालो। बोट से लेट होगा। बाइक से चलते हैं।
तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तुम दोनों को साथ में बैठ के हवन करना है। ससुर जी ने ये बात साफ-साफ कही थी। बैठना तो दोनों को पड़ेगा। नास्तिकों के मसीहा लेनिन सत्यम जी, मंदिर आएंगे क्या? अपनी मर्जी से? आराध्या, उससे बात हवन के बाद ही हो सकती है। शर्त लगाता हूँ, तुम 10 मिनट भी उनकी बकवास झेल नहीं पाओगे। I'm done with this discussion. आराध्या को भूल जाओ। डैड, आपकी और मॉम की शादी को 30 साल हो गए हैं ना? Of course. मॉम ने तो आपकी फिलोसफी को कभी नहीं माना। वो भगवान, कुंडली वगैरह सब मैं मानती हूँ। तो आप दोनों इतने सालों तक साथ कैसे रहे भाई? अपने मॉम को छोड़ क्यों नहीं दिया? वो मेरी बीवी है और मुझे उससे प्यार है। अगर आपका अपनी पत्नी के लिए 30 साल तक प्यार टिक सकता तो क्या मैं मेरी बीवी की खुशी के लिए 3 घंटे हवन में नहीं बैठ सकता? कल सुबह पुणे में हवन रखा, शुरुआत मुझे करनी है, लेकिन वो आपके आने से ही संपन्न होगा। मैं जा रहा हूँ। प्रदक्षिणा करोगे तभी हवन के लिए शुद्ध होगे। तुम्हारे पिताजी आया नहीं? वो सत्यम नहीं आया, इसे तैयार करके क्या फायदा? ए पंडित जी, तैयारी हुई कि नहीं? अरे बेटा, थोड़ी मदद कर देना। इतने बड़े हो गए फिर भी धोती पहननी नहीं आती आपको? चलो पलट जाओ। एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज।
आराध्या। ए विप्लव, उसने बात की तुझसे? ये कैसे कपड़े पहने? ठीक से पहन, उतरने वाली है, पता भी नहीं चलता तुझे। अरे एक गौ माता चाहिए थी। कौन सी माता? हवन के बाद हमें गाय दान करनी है, जा जल्दी से ले आ। गाय? मंदिर माता है कहाँ पे? मिनट भी नहीं हुए, मेरा दोस्त। तूने सोच भी कैसे लिया कि वो यहाँ आएंगे? उनके लिए तो बेटा उनके सिद्धांत ही सबसे जरूरी है। उनकी जगह हवन में मैं बैठ जाऊंगी विप्लव बेटा, गुरुजी को मैं समझा लूंगी। हाँ, वो नहीं मानेंगे माँ। डैड आएंगे तभी हवन पूरा होगा। नहीं आएंगे, ये भगवान, ये मंदिर उनके लिए सिर्फ एक पत्थर है, लेकिन असलियत ये है कि वो खुद पत्थर के हैं। तूने सोच भी कैसे लिया कि वो अपने विचार बदल देंगे, सिद्धांत बदल देंगे अपने बच्चे के लिए? ऐसा हो सकता है क्या बेटा? लेकिन एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है बेटा, जरूरत पड़ी तो पैर भी पकड़ लूंगी। बताओ मुझे क्या करना होगा बेटा? चिंतित ना हो, हमारी जरूरत पर ससुर जी, सत्यम जी मंदिर में आ गए। श्री गणेशाय नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम गुरुभ्ये नमः, ओम स्वस्तिनो इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्तिनो पूषा विश्ववेदा, स्वस्तिनो स्तक्षर्यो अरिष्टनेमि, स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। यजमान हाथ में कुमकुम ले लीजिए। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जंबु फलचार भक्षणम उमासुदम शोक विनाशकारकम नमाम विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अपने मस्तक में लगा लीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा विश्वेश्वरा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके। अब आप लोग मामा बोलकर नाक पकड़िए। मामा, मामा, अब आपकी जो इच्छा है उसका ध्यान कीजिएगा। ओम भू ओम भू ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुभ मुहूर्त अस्तु। शुभ मुहूर्त काले सूर्यानाम नमानाम ग्रहानाम अत्यंत अनुकूल करिष्यति। भविष्य डालिए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। क्या हुआ? पानी लेकर आओ। डैड आप ठीक तो? मैं ठीक हूँ। पूर्णाहुति के लिए आप लोग अब प्रार्थना कीजिए। चलिए।
कोई बात नहीं, जितना भी समय लगे मैं हवन पूरा करके जाऊंगा। क्या हो जाएगा, ये लेनिन सत्यम हार जाएगा और आप जीत जाओगे, पर कम से कम मेरी बेटी का तो भला होगा, मेरे लिए इतना काफी है। सत्यम जी, जब विप्लव अपनी जिद छोड़कर अंतिम में हमारे घर हवन करवाने के लिए आया, वो मेरी जीत कतई नहीं थी, वो आपके बेटे का मेरी बेटी के प्रति प्यार था। आज भी जब आप भगवान के सामने झुककर अपने बेटे के लिए हवन में हिस्सा ले रहे थे, वो भी मेरी जीत नहीं थी, वो एक बाप का अपने बेटे के प्रति प्यार था। शास्त्रों और सिद्धांतों के बीच हो रही इस लड़ाई की वजह से हम मनुष्यता को भूल ही गए। अगर आपसे हवन करवाकर दुनिया की आंखों में मेरे शास्त्र जीत भी गए, तब भी मेरे अंदर का मनुष्य तो हार ही गया ना, फिर क्या फायदा? मैं इसे रुकवाता, इससे पहले ईश्वर ने इसे रोक दिया, अब इन दोनों का ख्याल भी वही रखेगा। वही वर्षा रुक जाए तो आप अपनी बहू को ले जाइए। से तुम वापस आओगी तो मैं ये कब का करवा लेता। मैं चाहता था हम एक साथ सबसे लड़कर प्रूव करें कि हम कितने स्ट्रॉंग हैं। स्ट्रॉंग होने का मतलब क्या है? झगड़ने पर अलग हो जाना स्ट्रॉंग होना इसे कहते हैं। अकेले लड़ लोगे दुनिया से? कोशिश करूंगा कि हम दोबारा कभी ना लड़े। और आते हम लड़ेंगे, झगड़े होंगे, उसके बाद भी अगर हम साथ रहें तब प्रूव होगा कि हम स्ट्रॉंग हैं। शायद ये झगड़े तुम्हें इरिटेटिंग लगते होंगे, पर मेरे लिए ये प्यार है। हम औरतें हैं विप्लव, जो बातें किसी से नहीं कह सकती वो भगवान से कहकर अपना मन हल्का कर लेती है। और मैंने तो तुम्हारे लिए अपने भगवान को भी त्याग दिया था विप्लव। तुम अलग होने की बात करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं भी सीख रहा हूँ अनाथ, मैं भी सीख रहा हूँ। तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ। तुमने मुझे ये हवन करने को कहा, वो भी हमारे प्यार की ही खातिर। पिछले 10 दिन जो मैंने तुम्हारे बिना बिताए ना, ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी नरक बन गई है। थॉमस, जिस तरह मैडम की हिम्मत बने वही असली प्यार। मुझे तुम्हारी हिम्मत बनना है। मैं हर दिन बेहतर बनूंगा, जिंदगी भर तुम्हें प्यार करूंगा। इस हवन को पूरा करके हम अपने घर चलेंगे आराध्या। मुझे इस हवन की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे प्यार की है। बच्चे हो या ना हो कोई परवाह नहीं, वो हमें ओल्ड एज होम में से तो भी फर्क नहीं पड़ता मतलब, बस तुम्हारे साथ रहना है मुझे। हमारे बच्चे वो क्या हमें ओल्ड एज होम भेजेंगे? मैं खुद ही उन्हें हॉस्टल भेज दूंगा। चलो प्रूव करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। प्रूव करते हैं, प्रूव करते हैं, प्रूव करते हैं, प्रूव करते हैं। प्रूव करते हैं।
ब्रदर्स विप्लव और आराध्या खुश हैं और उनकी एक बच्ची भी है। कैसा लग रहा है दादा नाना बन के? हेलो, क्या टाइम पास हो रहा है? एक बात बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया जब तुम्हें आपस में ही बातें करनी है? ये सब हो क्या रहा है? What's wrong with you? कानपुर के मशहूर ब्रह्मा तिवारी को यहाँ बुलाते हो छोटी कन्या के कान छिदवाने के लिए और फिर इग्नोर करते हो। काय बच्ची, आगे बताइए। हाँ, बुला दी। आराध्या, जरा बच्ची को तो लेकर आओ। एक मिनट, ये क्या? इससे छेद करोगे तुम? ऐसे डर रहे हो जैसे मैंने तलवार हाथ में ली है। बस मैं इसे ऐसे पकड़ूंगा और हो जाएगा। चींटी काटने जितना दर्द होगा विप्लव, तुम इसे सासू माँ को दे दो। कोई बात नहीं गुड़िया, कुछ नहीं होगा। समझ गया कि यहाँ बच्ची से सभी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या ऐसे प्यार में हम बच्चों को टीका भी ना लगवाएं? ओके, मेरे पास एक और ऑप्शन है। मुझे रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। जी, जरा संभल कर, मुलायम नाजुक हाथों से। बताइए कैसे करूं? जरा ध्यान से, प्लीज। ओहो, थोड़ा प्यार से, संभाल के। हल्लू हल्लू, तो तुम ही आकर कर दो ना। कल के छोकरे मुझे सिखा रहे हैं। अभी ये नहीं करवाना, जब ये बड़ी होगी तब करवा लेंगे। अरे कैसे करवा लेंगे? जब ये बड़ी हो जाएगी तुम्हारी बात मानेगी? एक काम करो, जब ये बच्ची इन माँ की जैसी हो जाएगी ना, तब आकर छेद दूंगा। गुरु जी मत जाइए, बैठिए बैठिए। ए विप्लव, तुम आने वाला है कि नहीं है? नहीं माँ। क्या रे, मेरी तरफ देखो। कितना ड्रामा किया तुम लोगों ने, संभल कर सुन सुन कर मेरे कान में छेद हो गया। वैसे इसका नाम क्या रखा है?